जय श्री राधे। कार्तिक मास की ही कथा आप सभी ध्यान से सुनेंगे। कार्तिक मास के महीने में माताएं तुलसी के विरवा को सींचने के लिए प्रतिदिन जाती हैं। तो एक दिन की बात है, एक बूढ़ी मैया तुलसी के विरवा को सींचने के लिए जाती और तुलसी मैया से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं सींचूं विरवा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, मुझे बहु दे, पीले रंग की धोती दे, मीठे मीठे गाज दे, वैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। ये जितनी भी उसकी कामनाएं थी, वो सारी कामनाओं को तुलसी मैया से प्रार्थना करती थी प्रतिदिन। लेकिन इन सभी प्रार्थनाओं को सुनकर तुलसी का विरवा सूख रहा था। एक दिन भगवान विष्णु आते हैं और तुलसी से कहा, कार्तिक के इस पावन पर्व पर हे तुलसी मैया आप सूख क्यों रही हैं, हे तुलसी आप सूख क्यों रही हैं। तो यहाँ पर महाराज तुलसी मैया अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहती हैं कि एक बूढ़ी मैया आती है और मुझसे ये सब मांगती है, अब बताओ मैं सब कुछ देने के लिए सक्षम हूँ, परंतु आपका कंधा कहाँ से दूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले कोई चिंता वाली बात नहीं है, जब वो मरेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने के लिए जाऊंगा, ऐसा जाकर तुम उस बूढ़ी मैया से कह दो। समय व्यतीत हुआ, बूढ़ी मैया से कह दिया और एक दिन बूढ़ी मैया ने अपने प्राणों का परित्याग किया। महाराज जब उसके प्राण निकल गए तो उसका शरीर इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि उसका जो शरीर था, उसकी जो काठी थी, उसको उठाने वाला कोई नहीं। लोगों में चर्चा फैलने लगी, बोले बूढ़ी मैया इतना भजन किया करती थी, इतना भजन किया करती थी, उसके बावजूद भी इसका भजन इतना बढ़ गया, मृत्यु के प्रांत, हमें ऐसा लगता है कि ये भजन में त्रुटि किया करती थी, हमें लगता है कि ये इसने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, इस कारण से इसको जो है कंधा देने वाला कोई नहीं है। उसी समय भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और समूह में पहुँचे, पूछा कारण क्या है, तो सभी ने कारण बताया कि ऐसे ऐसे करके बात है। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि आप चिंता ना करो, मुझे थोड़ा सा बूढ़ी मैया के कान में कुछ कहना है। वह गए, मरणासन स्थिति में पड़ी हुई है बूढ़ी मैया, उसके कान में जाकर आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले तुलसी माता सबकी दाता, मैं सींचूं विरवा तेरा। भगवान श्री कृष्ण बने ब्राह्मण, उस बूढ़ी मैया के कान में कहते हैं, बूढ़ी माई अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठे मीठे गाज ले, वैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। ये बात सुनते ही बूढ़ी माई तुरंत जो है हल्की हो गई और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आज उसकी काठी में अपना कंधा लगाया है और उसका अंतिम संस्कार किया, उसको मुक्ति प्रदान करी। तो भगवान के प्रति जो निष्ठा रखता है, कामना रखता है, हम लोग भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर, जिस प्रकार बूढ़ी मैया के ऊपर आपने कृपा परवर्षित करी है, ठीक उसी प्रकार हम सभी के ऊपर भी कृपा परवर्षित करना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।